everyone, welcome or welcome back to my channel. So friends, I am Ayushi and I hope you all are doing good and stay safe. Friends, मैं आज आपके लिए double cleansing के products लेके आई हूँ जो मैं personally आजकल use कर रही हूँ और बहुत अच्छे products हैं. मैं जब भी makeup करती हूँ तो मैं try करती हूँ कि मैं double cleansing method से अपना makeup remove करूँ, क्योंकि जब मैं double cleansing method से अपना makeup remove करती हूँ तो वो मेरी skin को deeply cleans करता है और मेरे स्किन पे कोई भी मेकअप के पार्टिकल्स नहीं रहते, तो मेरी स्किन भी डीपली क्लीन होती है और उसमें कोई एक्ने वगैरह आने का चांस नहीं रहता. तो आज मैं जिस ब्रांड का रिव्यू आप लोगों के साथ करूंगी वो है ब्रांड द अर्थ रिदम. तो उसके ये दो प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसका क्लींजिंग बाम प्लस उसका फेस वॉश. सो अर्थ रिदम एक क्लिनिकली इफेक्टिव एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्किन केयर और हेयर केयर ब्रांड है जिसका फॉर्मूला बहुत यूनिक है और इसके प्रोडक्ट्स हमारी हर कॉमन स्किन केयर प्रॉब्लम्स के लिए अवेलेबल है. प्लस इसके प्रोडक्ट्स रिसाइक्लेबल होते हैं, डेटा अप्रूव्ड होते हैं, क्रुएल्टी फ्री होते हैं और 100% वेजिटेरियन होते हैं. तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसके. तो मैं बताती हूँ कि मैं अपना मेकअप रिमूव करने के लिए सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट यूज करती हूँ. सो गाइस, जो मैं अपना मेकअप रिमूव करने के लिए फर्स्ट प्रोडक्ट यूज करती हूँ वो है ये अर्थ रिदम का क्लींजिंग बाम AHA ग्लो फ्रूट एसिड्स, क्योंकि एक बहुत अच्छा बाम है और ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, रीसरफेस करता है, स्मूथ बनाता है. तो ये है उसकी आउटर पैकेजिंग, देखिए, और ये है उसकी इनर पैकेजिंग. देखिए कितनी प्यारी पिंक कलर की पैकेजिंग है और ये कांच की बॉटल है. प्लस इसमें एक लीड आता है और ये है इसका प्रोडक्ट. देखिए पिंक कलर का ये प्रोडक्ट है और बाम की तरह ही है ये. और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है कैस्टर ऑयल, प्लांट बेस्ड फैटी एसिड्स और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, जो कि बहुत अच्छे हैं और हमारी स्किन के लिए बहुत ही डीपली हमारी स्किन को क्लीन करते हैं. प्लस ये बाम हमारी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करती है, प्लस हमारे मॉइस्चर को हमारी स्किन के अंदर मेंटेन करके रखती है, हमारी स्किन को ब्राइटन बनाती है और डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करती है. बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है जिसे मैं डबल क्लींजिंग के लिए यूज करती हूँ. इसका पी साइज प्रोडक्ट लेके अब हमें अपने पाम में लेकर हमें अपने फेस को इससे मसाज करनी है, जिसे हमारी स्किन से मेकअप को रिमूव करेगा और वो भी हमारी स्किन को ड्राई बनाए बिगर, क्योंकि इसमें है मॉइस्चर, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है. उसके बाद हमें इसे वाइप ऑफ कर लेना है या वॉश कर लेना है. जब आप इसे वाइप ऑफ कर लेंगे तो आपको फर्स्ट रिजल्ट्स के बाद ही अपनी स्किन बहुत स्मूथ लगने लगेगी और आपका मेकअप तो पूरा मेल्ट हो ही जाएगा. सो फर्स्ट प्रोडक्ट तो मैं ये यूज करती हूँ अपने मेकअप रिमूव करने के लिए और इसके बाद मैं इसका फेस वॉश यूज करती हूँ जो बहुत अच्छा है. इसके बाद मैं ये प्रोडक्ट यूज करती हूँ, ये है अर्थ रिदम का फोमिंग क्लींजर जिसमें 5% ग्लाइकोलिक एसिड और रफ और अनइवन स्किन टाइप के लिए है. तो ये देखिए, ये तो इसकी आउटर पैकेजिंग है और ये है इसकी इनर पैकेजिंग. पम्प बॉटल में आता है, प्लस ये फोमिंग क्लींजर है तो बहुत ही इजी टू यूज है और ये भी कांच की बॉटल है. क्लींजर में 5% ग्लाइकोलिक एसिड प्लस एलोवेरा जूस एंड लिकोरिश रूट एक्सट्रैक्ट, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं और ये फेस वॉश भी हमारी स्किन को ड्राई नहीं बनाता, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, डीपली क्लींस करता है, नरिश बनाता है, हाइड्रेट बनाता है, हमारी स्किन को ब्राइट बनाता है, हमारे कोलेजन को बूस्ट करता है. प्लस आप फर्स्ट यूज के बाद ही देखेंगे कि हमारी स्किन से ऑयलीनेस को भी दूर करता है. बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है इसका. आपको वन या टू पंप लेके अपने फेस पे मसाज करनी है और देन इसे वाटर से रिमूव कर लेना है. देन आप देखेंगे आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो आया है, आपकी स्किन क्लीन हो गई है. और मैं तो इसे रेगुलरली यूज करती ही हूँ. मैंने जैसे आपको बताया हम इन्फ्लुएंसर्स को रोज ही मेकअप करना होता है तो रोज में डबल क्लींजिंग प्रोडक्ट्स यूज करके ही अपना मेकअप रिमूव करते हैं, इसीलिए आप देखिए मेरी स्किन कितना ग्लो कर रही है. बहुत ही अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं ये, आप लोगों को डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स ट्राई करने चाहिए, क्योंकि अगर आपको मेकअप का शौक है तो उसको रिमूव भी तो करना होगा और आपको आपकी स्किन पे एक्ने भी नहीं चाहिए. तो प्रोडक्ट्स के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इन्हें चेकआउट कर सकते हैं. तो आप लोग मुझे बताएगा कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आप लोग आगे किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय.